हल्ला बोल के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरे साथ है भावी छात्र जो आने वाले दिनों में शायद मेरी जगह इन तमाम जगहों पर मौजूद होंगे मीडिया के पत्रकार बनकर। इसीलिए आज का ये शो बहुत मायने रखता है। स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आप लोगों के लिए भी हैं, वो भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आज का दिन विशेष क्यों है? क्योंकि एक लंबा इंतजार रहा है। हिंदू धर्म को मानने वाले ये कहते हैं कि प्रभु राम अपनी ही जन्मस्थली अयोध्या में बड़े दुख में दिन काट रहे हैं। जी हाँ, टाट के नीचे वो रह रहे हैं। लंबे वक्त तक राजनीतिक पार्टियां आईं जिनमें मैनिफेस्टो का हिस्सा राम मंदिर बना रहा, लेकिन राम मंदिर बन न सका। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बहुत लंबा चलने के बाद अब रोजाना सुनवाई हो रही है। डेडलाइन सेट कर दी गई है 18 अक्टूबर की, जिसके बाद लगभग 4 सप्ताह में फैसला लिख दिया जाएगा। यानी दिवाली तो शायद नहीं आपकी बीतेगी इस फैसले के साथ, लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर ये फैसला आ जाएगा। क्या हो सकता है फैसला, इस पर बहुत ज्यादा बोले बिना हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतने वर्षों तक ये मामला क्यों लटकाया गया, आज क्या है इस पूरे मामले का तात्पर्य, युवा पीढ़ी उसे कैसे देखती है और कैसे देखते हैं ये लोग जो मंच पर मौजूद है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ है गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शोएब जमई साहब हमारे साथ है। तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ है। विष्णु जैन जी और साथ ही स्वामी दीपांकर जी, तालियों के साथ इन सभी का स्वागत। पहले देखें कोर्ट ने क्या कहा। इस महीना अगले महीना तक इसका निर्णय आ जाना है। हम तो चाहते हैं इसका कोर्ट फैसला कर दे, ये मतलब तय हो जाए। चलिए आगे आने दीजिए। देख 17 नवंबर हिंदुस्तान में 17 नवंबर से पहले एक भव्य राम मंदिर की ईंट रखने की एक निर्माण यहाँ से होगा। इस साल के अंत तक राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। कि नवंबर से पहले पहले इसका कोई फाइनल कंक्लूजन और फाइनल डिसीजन इसका आ जाए। अब उनको जो लोग हमसे सवाल पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो उनको तारीख मिलने वाली है। जब सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहा है कि 18 अक्टूबर तक बहस को मुकम्मल कर लेंगे, आर्गुमेंट्स को, उनके ऊपर है वो कब फैसला दें। 18 नवंबर के आसपास जजमेंट आ जाएगा तो मैं इसका स्वागत कर। देश को 27 सालों से जिस फैसले का इंतजार है वो जल्द ही आने वाला है। सबसे बड़ी अदालत ने समय सीमा तय कर दी है, 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी और फिर 4 हफ्ते में फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही ये मामला हल होगा। इस मामले में किसी भी तरह का मीडिएशन, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और ये जो पक्षकार जो पिछले 70 साल से न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अंत करे और अपना जजमेंट सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन घोषित की, अच्छा किया। 130 साल बाद फाइनली जजमेंट आएगी और हम खुश हैं, हमारे पंच भी खुश हैं इससे। आज की सुनवाई के बाद 2 तारीख मील का पत्थर साबित होने वाली है। एक 18 अक्टूबर जिस दिन बहस खत्म होगी और दूसरी 17 नवंबर जिसके पहले आखिरी फैसला आने की उम्मीद दिख रही है। याद रखिए कि 17 नवंबर को ही चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन होगा और शायद उससे पहले वो ऐतिहासिक फैसला आ जाए जिसके बाद चीफ जस्टिस गोगोई का नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत लंबे काल से सोच रहे हैं कि जजमेंट आ जाए, हम लोगों को फैसला मिल जाए, क्योंकि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला जो है विचाराधीन रहेगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं। वहां जो है और जितने साक्ष्य मिले हैं वो कहीं न कहीं, कहीं घंटी का मिला, कहीं कमल का फूल का मिला, तो ये सारे साक्ष्य मंदिर के हो सकते हैं न कि मस्जिद के। इसलिए हमें विश्वास है कि राम मंदिर के पक्ष में जजमेंट आएगा। देखिए, अगर कोर्ट जो है फैसला करता है तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे वाले साहब भी कहा करते थे कोर्ट फैसला करे, आज करे अभी करे, हम उसको मानेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि कोर्ट जो है इसका फैसला कर दे, क्योंकि ये पूरा जो है कोई महीना ऐसे नहीं बीतता कि इसका जो है तारीख न पड़े, इससे लोग राजनीति न करें। लोग जो है बहुत से लोग तो इससे तंग आ चुके हैं कि डेली ये मसला जो है रोज के रोज ये उभरता रहता है। अदालत में कानूनी दलील जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ मध्यस्थता की कोशिश के रास्ते भी खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मध्यस्थता को लेकर अदालत को चिट्ठी मिली है और विवाद से जुड़े कुछ पक्ष मध्यस्थता चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर तक अगर 2 पक्षों के बीच मध्यस्थता पर कोई बात बनती है तो रिपोर्ट दे सकते हैं। 18 नवंबर के आसपास जजमेंट आ जाएगा तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके आगे तारीख बढ़नी नहीं चाहिए, जजमेंट रुकना नहीं चाहिए, कोई बाधा आनी नहीं चाहिए। केवल एक ही है कि फैसला आना चाहिए। फैसला आएगा, हम सब लोग स्वागत। फैसला आने दीजिए, पत्थर तैयार है, देरी नहीं लगेगी।
मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये एक टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें जो तय करी हैं, मुझे लगता है कि मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला है। जहाँ तक मीडिएशन की बात है, मीडिएशन कमेटी पहले भी उसने काम किया है, उससे पहले भी मीडिएशन कमेटीज़ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर बातचीत के ज़रिए से अगर इस मसले का हल अगर निकलता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार मध्यस्थता की बात दोहरा चुका है, लेकिन जिस तरह से मुद्दे को लेकर सियासत और खींचतान जारी है, उसमें मध्यस्थता का रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सुनवाई के लिए सब वकीलों की सहमति से शेड्यूल तय हो गया है। इस शेड्यूल में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले, और यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई बेवजह लटका नहीं सके। 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। मिड नवंबर तक हम राम जन्मभूमि का निर्णय सुनेंगे। कि ये खंभे जो मस्जिद में लगे हुए थे, 14 खंभे, ये डेकोरेटिव पीसेस थे, ना ये लोड बेयरिंग थे और ना ये किसी मंदिर से निकाल के लगाए गए थे। इस पर कोई देवी देवता के चित्र नहीं थे, ये बात हिंदू गवाहों ने भी एक्सेप्ट की है। मध्यस्थता हो या अदालती सुनवाई, लेकिन अब ये तय है कि फैसले की घड़ी नजदीक है। इसके लिए मैं स्वागत करता हूं चीफ जस्टिस के ये घोषणा कि उन्होंने जरूरत पड़ा तो शनिवार को भी, ये स्वागत योग्य है। लेकिन हिंदुओं की भी कामना बरसों बरस से पड़ी हुई है कि मेरे प्रभु श्री राम टाट में पड़े हुए हैं, महादेव कब मुझे वो दिन दिखाएंगे, इसका इंतजार करोड़ों हिंदू कर रहे हैं। जब लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट तय कर रहा है आपके साथ, आप तो तय नहीं करने वाले ना, जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट देगा, तो इस तरह के बयान देना ये तो कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का। और ये तो अजीब गरीब इस तरह की बात करते रहते हैं। जहाँ इलेक्शन आ गया तो शुरू हो गए, इलेक्शन खत्म हुआ तो भूल जाते। तो बस कुछ दिन का और इंतजार कीजिए। निचली अदालत और हाई कोर्ट से होकर देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज तक पहुंचा विवाद अब सुलझने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो राम मंदिर पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान अपनी जगहों पर है, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। क्या है इनके मन के सवाल, ये जानने से पहले एक सवाल मेरा है आप लोगों से। आप में से कितने लोग मंदिर वंदिर हमेशा जाते हैं, मतलब धर्म से आपका सीधा वास्ता हमेशा रहता है? ज्यादातर बच्चों का रहता है। चलिए ठीक है। अब गौरव भाटिया जी, धर्म से जुड़े ये लोग, ये बच्चे, और आप ले लेंगे श्रेय, सब काम तो कोर्ट कर रहा है, इसमें आप श्रेय लेने के लिए क्यों सामने आते हैं एक मैनिफेस्टो में, एक लाइन डाल के कि बीजेपी कटिबद्ध है कि हम राम मंदिर वहां बनाएंगे? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो श्रेय के लिए कौन करता है? जिसकी आस्था, जिसका परिचय, जिसकी पहचान भगवान राम में हो, तो वो श्रेय के नहीं करता है। वो इसलिए करता है कि यही हमारी पहचान है, और प्रभु जय श्री राम जब हम कहते हैं तो हमारी छाती भी 56 इंच की हो जाती है। हम लोग खुशी से भर जाते हैं। और मैं अभी ओएसी जी को देख रहा था, बड़ा लटका हुआ मायूस सा चेहरा, ऐसे लग रहा था कि जंग से पहले ही कोई हारा हुआ सिपाही बयान दे रहा है। इनकी आस्था कहीं नहीं है। ये वो लोग हैं जो चाह रहे थे ये मामला लटके, और आज उन लोगों को मिल रहे हैं जोर जोर के झटके। ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, और मैं आपको बताऊं, मुझे गर्व इस देश पे क्यों है, क्यों मुझे अपने हिंदू समाज पे गर्व है। हम यहां पे 100 करोड़ हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता ये है कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में आस्था रखते हैं, और हम जानते हैं कि जो हमारी दुआएं हैं, जो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, खाली नहीं जाएंगी। और वो भी दिन आएगा कि मंदिर वही बनाएंगे और तुमको जरूर बुलाएंगे। आपको पहले ही कैसे पता चल गया है? अभी तो सुनवाई के लिए भी 1 महीना बचा है, फैसला में भी अभी 2 महीना है, पहले से कैसे पता है सर? मैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, जांच करवाइए, मदरसों में कराइए, पता चलेगा क्या हो रहा है। आपकी कोई फिक्सिंग? मैं बताता हूँ क्यों पता है। आपकी कोई फिक्सिंग हो? भैया सुनिए ना, आप वकील नहीं, पेशे से मैं वकील हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कहा। हमारी आस्था है, मैंने ये नहीं बताया फैसला ही आएगा। आस्था क्यों है ये बताता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये मानती है कि जो गुंबद
निकाले गए एक्सकवेशन में, उसमें कहीं ना कहीं कमल था। ये स्थान वो है जहां पे एक राम मंदिर था, और ये हाईकोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं। इसमें लिखा है यहां राम मंदिर था, बाबर जैसे लोग आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई, ये हाईकोर्ट ने कहा। ये थोड़ा ज्ञान लेके आइए तब तक। मैं ज्ञान वर्धन कर देता हूँ आपका, पॉइंटेड जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कमल के फूल निकले गुंबद में। आपको मालूम होना चाहिए अंजना जी, जब मुगल आए थे तो उन्होंने यहाँ पे अपनी जो बिल्डिंगें बनवाई थी वहाँ राजस्थानी आर्किटेक्ट भी काम करते थे, और राजस्थानी आर्किटेक्चर को उन्होंने अडॉप्ट करवाया था, इसमें कमल का फूल भी होता था। कमल का फूल पसंद आ रहा है तो ये तो घर की बात है। बहुत बढ़िया, अच्छी बढ़िया। कमल का फूल है तो इसका मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो गई। हम लोग कीचड़ में ही कमल गिरा लेंगे, चिंता ना करो। बोलिए जमाई साहब, मुगल आर्किटेक्ट जो है उन्होंने जो है राजस्थानी कलाकारों को बुला करके वहां पे बनवाया था, और वो आप देखिए ना ताजमहल में भी उल्टा सुई अटक रही है, वो फूल बना। अब आपकी सुई अटक रही, वो हम समझ गए। कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर, अब मुझे ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि फैसला इनके हक में आने वाला है, हिंदुओं का मंदिर बनने वाला है, कैसे मालूम है इनको पहले से कि इनके हक में आने वाला है? ऐसा होगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, मुसलमानों को भी उतना ही मानना चाहिए जितना हिंदुओं को मानना चाहिए। मुसलमानों ने कभी नहीं ये कहा कि अगर फैसला तो अभी हमारे हक में नहीं आएगा तो हम तो उत्पात मचाएंगे, लेकिन हमेशा इनकी तरफ से धमकियां आती रहती है अगर फैसला हमारे हक में नहीं आएगा, चाहे आएगा नहीं आएगा, मंदिर हम वहीं बनाएंगे। देखिए सवाल, देखिए हिंदू और मुसलमान का नहीं है, कोई भी मुसलमान जो है हिंदुओं की आस्था के खिलाफ नहीं है। भगवान श्री राम को हम भी मानते हैं और आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन मामला सुनिए, ये मामला कोर्ट में जो है ना, कोर्ट में जो है वो टाइटल सूट का है, वो जमीन का निपटारा, जमीन का मामला किया जा रहा है, जिसमें अंजना जी कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्ड है जिसमें वो असमर्थ रहे, इसलिए मुझे यकीन कि फैसला हमारे हक में आएगा। बात आकर यही टिक जाती है। हाँ। भाई साहब के लिए टाइटल सूट है, हमारे लिए ये हमारे हृदय का टुकड़ा, बात यही आकर टिकती है। मगर आज जो जज साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, निसंदेह दिल से उसका इस्तकबाल ही नहीं, इतना स्वागत है, कहूंगा एक शब्द कि भारत में बहने वाली आज हवा मतवाली है, किसी की होगी चार मुद्दत बाद, मेरी आज दिवाली है। तो मेरे लिए, शायद मुझे लगता है मेरे लिए, मेरे आराध्य गुरुदेव के लिए और हजारों राम भक्तों के लिए, जब आपने खड़ा करवाया ना हाथ बोले देखे तो सारे ही खड़े थे। अर्थ ये नहीं है कि ये राम भक्त हैं, अर्थ ये है कि एक मुद्दत से, जो कहते हैं ना कि इसमें जल्दी क्या है, अटकाइए भटकाइए लटकाइए, एक दिन टेंट में जाइए और उसके बाद कहानी सुनाइए। कैसे आप राम पर बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम और सहिष्णु कौम है, सिर्फ एक टक लगा एक सदियों से देखेगी, कई सदियां बीत गई और कई इतिहास की ग्रंथ में चली गई वो हस्तियां जिन्हें अशोक सिंगल कहा जाता था, वो कार सेवक जिन्होंने अपना लहू और सरियों के जल को लाल कर दिया सिर्फ इसलिए कि राम का मंदिर बने। एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, आपको संबोधित कर, मस्जिद तोड़ करके दंगा भी करवा दिया। सुनिए ना, देखिए तो मंदिर तो आपने तोड़ा, सुनिए बेसिक क्या है अंजना जी, मंदिर आपने तोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए, मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी 10 सेकंड में। आदरणीय, यही अंतर है, हम आपको सुनते हैं, आप बीच में टोकते हैं, हम करते हैं भाईचारा, आप करते हैं भाई का चारा, यही दिक्कत है। मैं एक बात कहना चाह रहा था आप लोगों को, जब आपके आराध्य पर, राम को मानने वाले सभी थे ना, आपके आराध्य पर आए तो हंसा मत कीजिए आदरणीय, वरना आज आप हंसेंगे कल लोग आप पर हंसेंगे। याद रखिए कि उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, वरना क्या रखा है दुनिया में। रहमानी साहब, अब तो डेडलाइन और टाइमलाइन भी फिक्स है, कल को फैसला अगर हिंदू पक्ष की तरफ चला गया तो मैच फिक्सिंग तो नहीं कहा जाए, क्योंकि धीरे से उन्होंने कहा था, अब ऐसे मुंह छुपा रहे हैं जैसे शब्द सुना ही नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था अभी मैच फिक्सिंग जब मैंने सवाल नहीं, मैच फिक्सिंग का तो कोई सवाल नहीं है, ये तो ऐलान किया जा चुका है, इलेक्शन के वक्त ऐलान कर दिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ऐलान कर दिया जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अमित शाह जी ने, ऐलान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, ऐलान किया कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, सम्मान करेंगे, ये नहीं कहा। और अगर कोर्ट के फैसले के बाद जरूरत पड़ी तो कानून के जरिए से मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ये बात कही गई है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये बात किसने कही है? प्रधानमंत्री जी ने कही है। आप बिल्कुल गलत, और मैं खंडन कर रहा हूँ इस बात का। नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू, तमाम तस्वीरें, गलत मत बोलिए, गुमराह मत करिए युवा पीढ़ी को,
वरना आपको कोसेगी और आप कहीं रह नहीं पाएंगे। ये बता दूं मैं आपको, ये मीडिया के ट्रेनी है, ये कोसे प्रधानमंत्री के लिए आपके भी आप जो कुछ कर रहे हैं आप उनसे चाहे नफरत करें गलत शब्द आपको भी कोसेंगे। आज तक नहीं हाजी महमूद का स्टिंग किया था, ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है और अनाउंसमेंट है। सम्मान करेंगे अगर अदालत के फैसले जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे, फैसला मस्जिद के पक्ष में आएगा तो सम्मान करेंगे। मैं अभी उत्तर दे देता हूं। देखिए गजब की लोग की शैली है, जब बात आए ट्रिपल तलाक पे तो कहते हैं हमारा धर्म सर्वोपरि है, जब बात आए राम मंदिर पे तो कहते हैं संविधान से नहीं चलेगा। अरे पहले तय तो कर लीजिए, या तो संविधान से चलाइए या जो है आप चलाइए। और सुनिए जहां तक आस्था की बात है, आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पार्लियामेंट के लिए, सुनिए मेरी बात, मंदिर पर रहिए। मैंने कह रहा मंदिर तो वही बनेगा, ये कह रहे मंदिर तो वही बनेगा अदालत के जरिए बनाएंगे या पार्लियामेंट के जरिए बनाएंगे, बता दे ये वादे कर दे अदालत के जरिए बनाएंगे या पार्लियामेंट के जरिए बनाएंगे। आप सुनिए ना, मैंने आपको एक आधार दिया कि उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और क्यों कहते हैं मंदिर वही बनेगा, क्योंकि जब 110 करोड़ हिंदू प्रार्थना करेंगे तो भगवान राम जरूर हमारी सुनेंगे, ये हमारे आस्था है। और जाके ये कहीं भी आप कह सकते हैं भगवान राम तो इंसाफ करेंगे, ये हमारी आस्था, भगवान राम तो इंसाफ करेंगे। जो जो मुझे लगता है कोर्ट आगे बढ़ेगा फैसले, गौरव जी का हर बार जोश 5% और बढ़ेगा। नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ाइए आप अपना जोश, पर क्रेडिट वाला जोश मत दीजिए ना, बातों पे फैसला आएगी। काम तो कोर्ट कर रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपकी डिबेट में, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि वहां मस्जिद बनाएंगे, आज कहते हैं हाँ भगवान राम पैदा हुए अयोध्या में, अभी अभी वो भी दिन आएगा, अभी वो भी दिन आएगा, ये कहेंगे कि हाँ वही जन्मस्थली थी। एक बात मैं कह दूं, एक बात कह दूं, उसके बाद आगे चलिएगा। मस्जिद बनेगी, हम मस्जिद के दावे से आखिरी दम तक हम अपने कदम वापस नहीं लेंगे। मैं ऐलान कर रहा हूं आज तक के इस चैनल पर, आप जो भी है, कौन है? मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, मैं आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, मैं कह रहा हूँ कोर्ट के अंदर हम लोग मस्जिद के दावे से एक दिन के लिए भी दस्त बर्दाश्त। लेकिन ये सच है ना, क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने इस दावे से बाबर ने तोड़ा मंदिर की नहीं तोड़ा, तोड़ी ना, ये तो मानते हैं ना, सोमनाथ मंदिर झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। तारीख को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, सरकार में मुकदमा चल रहा है, अभी फैसला आना बाकी है। तो मस्जिद तोड़ी क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने मस्जिद के दावे से पीछे हटने को, कोर्ट में अभी मामला कैसे अटका हुआ है ये बताइए। देखिए अंजना जी जैसी बात यहाँ पे कर रहे हैं, कोर्ट में इनके वकील एकदम उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। इनके वकील अभी कह रहे हैं राम को मानते हैं, इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम तो वहां पैदा ही नहीं होते। रोज कोर्ट में, और गौरव भाटिया जी भी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, रोज कोर्ट में हमारी आस्था का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जाता है। और हिंदुओं ने 16 दिन की बहस में बहुत संयम बरत के सारे साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। और हम क्यों मानते हैं राम मंदिर बने, अभी ये बहस चल रही थी, हम इसलिए मानते हैं राम मंदिर बने क्योंकि 1528 से लेकर 1855 तक क्लिंचिंग एविडेंस हिंदुओं ने कोर्ट के सामने रखी है, जिसमें आईने अकबरी शामिल है, जो अकबर के कोर्ट मास्टर ने खुद लिखा है और कहा है कि हिंदू वहां पे जुटते हैं, वहां राम कोर्ट की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके बाद ट्राइफन थेलर, जितने फॉरेन ट्रेवलर्स आए उन्होंने पाया है कि वहां पे राम मंदिर है, हिंदू वहां पे जाते हैं, वहां पे पूजा करते हैं। इसके बाद जितने ब्रिटिश गजेटियर्स है वो सुप्रीम कोर्ट सामने लाइन बाय लाइन हमने लाके रखा है, जहां पे ये पाया गया है कि हिंदू वहां पे जुटते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ कमल की बात नहीं है, उस विवादित ढांचे के अंदर वरा देवता की मूर्ति पाई गई है और वरा देवता इस्लाम में हराम है। ये लोग यहां पे बता दो, ये इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर बनते और जानकार बनते हैं। कमल की बात छोड़ दीजिए, वरा देवता की मूर्ति कैसे उस मस्जिद के अंदर रह सकती थी, तथाकथित मस्जिद के अंदर रह सकती थी। साहब इस्लामिक लॉ को भी हमने सामने रख के कहा है कि इस्लाम के हिसाब से, सर एक मिनट, मूर्ति के हिसाब से कहीं भी नमाज कैसे साबित करता है, दो वहीं पर जो आपको हर दिन नमाज पढ़नी है, वो कैसे साबित कर सकते हैं, चलिए कोर्ट के हिसाब से कोर्ट का इंतजार कर सकती है, इसको आप कैसे साबित करेंगे कि वहीं पर वही राम जन्मभूमि है। हमने सर साबित किया है, हमने साबित किया है, मैं कोर्ट में खुद कहा कि आपने मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, शायद देखिए बात सुनी नहीं, मैं आस्था का सवाल नहीं उठा रहा हूं, वास्तव में सवाल नहीं उठा रहा हूं, कि जो है महान हमारे दिल में जो है
हमेशा जो है मैं सर हम ऑन डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहे हैं किया हमने ये मामला जो है टाइटल सूट का ठीक है दीपांकर जी जल्दी से रिस्पांस अंजना जी ये किसी को एविडेंस नहीं है आपके पास ये बिल्कुल एविडेंस है आपके पास एविडेंस नहीं है आपके पास एविडेंस है आपने मस्जिद कब बनाई जमीन वक्फ को एक बार दी जा चुकी है वो वक्फ ही रही रहेगी सर सुनिए इसी बुनियाद पर फैसला देगी अंजना जी यही हमारा केस है इसी बुनियाद पर फैसला देने वाली नहीं हुई अंजना और ये यहाँ पे जो बात कह रहे हैं शायद इनको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पता नहीं है इनके वकील कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाए कि वफ कैसे हुई जज साहब ने इनसे पॉइंटेड सवाल रोज पूछते हैं कि आप बताइए वफ कैसे हुई और किसी भी हिंदू मंदिर को अगर आप कब्जा कर लेंगे तो उससे इस्लामिक लॉ के हिसाब से वफ नहीं हो सकती है तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से गलत है भाई साहब आज भी सबूत मांग रहे हैं हालांकि मणिशंकर अय्यर पहले भी अपने आप को शर्मिंदा और देश को मुझे लगता है कि शर्म के मारे डूबो चुका है कि 10,000 कमरे थे न जाने कौन से कमरे में पैदा हुए हैं मैं इस तरीके की बातों का विरोध करता हूं फिर से ये हरकतें ना दोहराई जाएं अगर जो कोई इंसान मौन है तो उसके मौन होने का कारण ये नहीं कि वो बेवकूफ है तो कम से कम अपने ऊपर इतना संयम जरूर रखें चाहे शोएब साहब हो चाहे रहमानी जी हो मगर इतना जरूर कहूंगा कि ऋग्वेद पढ़िए कहा गया अयोध्या को कि भगवान का नगर है फर्स्ट पढ़िए तुलसी शतक जिसमें लिखा गया है राम अयोध्या की और अयोध्या राम के जब राम अयोध्या की और अयोध्या राम के तो फिर आप किस काम के पहली बात दूसरी बात मैं यक्ष प्रश्न उठाना चाहता हूं 1858 में निहंग आए थे अयोध्या के अंदर गुरु गोविंद सिंह का नाम लेते लेते पूरी टेरिटरी में राम 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 लिखकर चले गए शीतला प्रसाद दुबे का लिखा हुआ मुकदमा है और भाई साहब से जब अदालत में पूछा कि आपके जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं कि क्या वो फारसी और संस्कृत जानते हैं तो बोले नहीं और जो हमारी तरफ के थे वो संस्कृत भी जानते थे फारसी भी जानते थे इनकी समस्या ये है ना ये गुड़ाई जानते हैं ना ये लिखाई जानते हैं और उसके बाद सारी खुदाई जानते हैं इनके साथ समस्या ये मेरा सवाल आप सभी से है कि भगवान राम हम सभी की आस्था का केंद्र है लेकिन इस पर राजनीति कब तक होगी और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा जब भगवान राम हम सभी की आस्था का केंद्र है तो जब फैसला राम भगवान के मतलब पक्ष में आएगा तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे जब तक बीजेपी रहेगी सत्ता में तब तक राजनीति होती रहेगी भारतीय जनता पार्टी चाह लेगी तो काम हो जाएगा लेकिन सवाल ये है कि मुद्दा खत्म हो जाएगा ना आप रोजगार मांगेंगे ये दे नहीं पाएंगे आप रोजगार के सवाल पूछेंगे तो ये बता नहीं पाएंगे ठीक है मैंने इधर जमाई साहब इधर भी देखिए दो सवाल उसने पूछा था मुझे बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के नाम पे वोट मिले हाँ या ना मुझे लगता है सही आपको लगता है राम मंदिर के नाम बिल्कुल राम मंदिर के नाम पे वोट मिले विकास के नाम पे तो वोट नहीं मिले बताऊं किस नाम पे वोट मिला अरे हटाइए भाई साहब गालिब ख्याल अच्छा है क्या बुराई है सोचो भी इतनी सफाई से चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जो उस लड़के ने पूछा कि अगर ऐसा आता है कि मंदिर वहां पर बने क्या ये फैसला आपको मान्य होगा देखिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हमको भी मानना चाहिए सबको मानना चाहिए मैं मानूंगा लेकिन इनसे पूछिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देगी तो ये मानेंगे अच्छा आप आपका बिहेवियर उन पर डिपेंडेंट है एक बार पूछ लीजिए मतलब बीजेपी आपका आदर्श है नहीं 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 आदर्श नहीं आप हर बात पे गौर ना करें कोई ऐसा दिन आए कि बीजेपी हमारा आदर्श गौर पार्टी जैसे क्यों पूछने लगते हैं हमारा आदर्श हमारा संविधान है हमारा आदर्श हमारा संविधान मानेंगी मेरा क्वेश्चन इन सबसे है ये भी भगवान रंग पहन के यहाँ पर आएगा ये भी कुर्ता पजामा पहन कर आएगा किसी का भी सोचा है कि बेरोजगार वो रोड पे क्यों सो रहा है यस इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का कभी सोचा है गौरव जी इतनी बड़ी अच्छी डिबेट कर लेते हैं इन्होंने कभी डिबेट किया बेरोजगारी पर बोलिए बताइए जवाब जी अंजना जी देखिए बहुत मेरे युवा भाई है बड़ा अच्छा प्रश्न किया तो चुनाव जब हुआ था तो कई चर्चाएं जो है वो रोजगार पे हुई और ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड जनता देती है अगर मोदी जी 333 सीटें लेके वापस आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने उस पर मोहर लगाई होगी लेकिन आज का जो मुद्दा है हम लोग उनमें से नहीं है मेरे भाई कि पेपर है विज्ञान का और गणित के आंसर लिख के आ जाए आज का जो मुद्दा है मैं उस पर जरूर एक बात कहूंगा अंजना जी ये हमारी सहिष्णुता है कि हम लोग यहाँ पे बहुसंख्यक होने के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय में आस्था रखते हुए इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं आपसे बड़े जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं जैसे मुसलमानों की आस्था मक्का मदीना में है वैसे हिंदुओं की आस्था अयोध्या में राम मंदिर में है उसके बाद भी आप हमारा संयम देखिए काहिल नहीं होंगे तो और क्या होंगे कह रहे थे कि पेपर है विज्ञान का गणित लिख के ना आ जाए वैसे लोगों में सवाल था बेरोजगारी का कह दिया क्या जवाब अंजना जी सवाल था बेरोजगारी का जी आप चर्चा को बदलना चाहती हैं मैं अभी चलिए सुनिए आप आंकड़े नहीं देंगे मुझे नहीं पता किस पार्टी का समर्थन मैं आंकड़े अगर आप अनुमति दें आधे मिनट में रोजगार के अभी आंकड़े ठीक है आंकड़े पर बात करेंगे क्योंकि भावी पत्रकार है मेरे साथ एक बार फिर तालियों से आप लोगों का स्वागत आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए कितने लोग ऐसा सोचते हैं
अच्छा कितने लोग, ज्यादातर हाथ इसलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वहां मंदिर बने या ना बने उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है? कितने लोग हैं? काफी हाथ इसके लिए उठ रहे हैं। आप में से कोई एक ऐसा युवक जो बताए जिसको लगता है कि देश में स्कूल अस्पताल खुलना ज्यादा जरूरी है मंदिर से? ये कितने लोगों को लगता है? ये कितने लोगों को लगता है? इतने सारे हाथ इस सवाल के साथ उठ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार विकास की पोजिशनिंग कर रहे हैं उसमें ये अलग ही एक मुद्दा बन जाए, जो आप लोग इसको लपकने की कोशिश कर रहे हैं वो उल्टा ना पड़ जाए? युवा पीढ़ी है, मंदिर चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है अस्पताल और कॉलेज पहले बने, उनके लिए प्राथमिकता ये बाद में। मैंने आपके सामने ही तीनों सवाल पूछे। देखिए, इसमें एक ही बात का मैं उत्तर दूंगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि भव्य राम मंदिर बनेगा तो अस्पताल नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे, तब भी बनेंगे भाई। 10 करोड़ टॉयलेट बने कि नहीं बने, 8 करोड़ गैस के सिलेंडर गए, रोजगार के अवसर पैदा हुए, ये सब हुआ। लेकिन अगर आप इस सवाल को घुमा दीजिए, क्या इन लोगों को पसंद आएगा इधर वालों को? आप कहिए कि मस्जिद जहां पे है उसे हटा के अस्पताल बना दे, पूछ लीजिए एक बार, ठीक है क्या ये? अरे ये क्यों है कि अगर हिंदू धर्म की बात आए तो मंदिर को हटा के अस्पताल बन जाए, मंदिर को हटा के आप स्कूल बना दे? ये ऐसा नहीं है कि स्कूल बनने के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण है। बात घुमाते हैं जैसे ये सवाल, ये लोग बात घुमाते हैं, बात घुमाई नहीं। आप बोलिए कि 5 मस्जिदें हटा के अस्पताल बना देंगे, वहां पे बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? एक अस्पताल बड़ा बनाएंगे। ये इनका जो, इन बच्चों का ये जो मीडिया में जाने वाले बच्चे हैं, इनका जो इम्प्रेशन है वो आज ये साफ बता रहा है कि वो विकास देश का चाहते हैं, मंदिर भी चाहते हैं, और उसी के साथ हम भी हैं वहां पर। मैं जब ये कहता हूं कि वहां पर मंदिर बनाइए और मंदिर के साथ पे मस्जिद भी बनाइए, कितनी सीटें जब काम की बात होती है और विकास की बात की बात होती है, 25 लाख लोग ले आऊंगा मैं, मुसलमान हिंदू करके जब इनसे जवाब नहीं होता करते हैं। आप जवाब दीजिए, आप जब आप जवाब दे रहे आपके साथ जाता है आप जज्बाती मुद्दे उठाते हैं जब आपके पास। अंजना जी, मैं एक बात ऐड करना, जब आप जज्बाती हो गए, सीटें पूछ ली कितनी है लोकसभा में, जज्बाती हो गए और बताइए। अरे युवा आपके लिए नहीं बोल सकता, वो ये सच्चाई है। जीडीपी को 5 साल में 5% मिला के आपने रोक दिया, 5% सवाल के आपने, जब ये सवाल पूछा जाता है बाद आप कहते हैं कि आप मंदिर, जब ये सवाल पूछा जाता है और मंदिर की लड़ाई को आप अस्पताल और कॉलेज से जब आप एसोसिएट करते हैं, तो ये जितने लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और जितने लोग 70 साल से न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबके लिए शर्म की बात है, क्योंकि आप लोग अभी तक हमारा मुद्दा समझे ही नहीं है। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने ये रही है कि जो बाबर और औरंगजेब ने इतिहास में किया, बर्बरता की, वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम करके सर के पिलर बना दिए और वहां पे राम मंदिर, सर एक मिनट, वहां पे राम मंदिर का विध्वंस किया। हम चाहते हैं जो बाबर और औरंगजेब ने अपनी तलवार से किया, हम चाहते हैं बाबर और औरंगजेब ने जो अपनी तलवार से किया वो आज के इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे और ये जाहिर करे कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। और जैसे ही आप अस्पताल और कॉलेज को कम्युनल मूवमेंट बनाना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती है। सर मक्का मदीना के तो सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है यही देश का बड़ा मुद्दा है कि मक्का मदीना कम्युनल सवाल क्यों उठा रहे हैं? अंजना जी, यह धार्मिक अलगाव सुनिए, ये अंजना जी, ये सिर्फ भारत में ही, सुनिए ना सर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर, पानी पीजिए दोबारा बोलिएगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अंजना जी, यही तो प्रॉब्लम है सर कि राजीव धवन लड़ता है। अंजना जी, हमने मस्जिद तोड़े मार रहे हैं पर आपने वहाँ पे राम मंदिर को तोड़ा 1528 में, आपने राम मंदिर तोड़ा तो उसको कौन रेक्टिफाई करेगा? और आपने जो आपने मंदिर तोड़े उसको कौन रेक्टिफाई करेगा? चल रहा है औरंगजेब ने लिखा है खुद, औरंगजेब ने खुद कि उसने काशी अयोध्या की मंदिर तोड़ी उसको कौन रेक्टिफाई करेगा? जो इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए आपने राम मंदिर तोड़ी उसको रेक्टिफाई कौन करेगा? उसको
रेक्टिफाई हम लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अंजना जी, किसी ने नहीं की, अंजना जी आपने वहाँ पे जबरन, वहाँ पे जबरन कब्जा करके मंदिर के अंदर आके नमाज पढ़ने लग गए, और सारे डॉक्यूमेंट जब हमने दिखाए और आज फैसला आने वाला है तो भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। क्या है सर, अंजना जी खुद कहा है कि बाबर ने कैसे लोगों ने कौन से कोर्ट ने कहा है, अंजना कोर्ट ने कहा है, बोलिए दीजिए ना। बच्चों के सवाल भी है थोड़ा सा। अंजना जी इस देश में यही पिछले 70 साल से चला आ रहा, हाथ जोड़ के बहुसंख्या खड़ा बोले बोलने तो दो, उसे तक बोले अब विक्टिम कार्ड खेल दिया आपने। सर विक्टिम कार्ड नहीं है साहब, कौन से अब सुनिए सर, अब सुनिए सर, नहीं नहीं अरे सुनिए ना, इसे विक्टिम कार्ड वाला खेल सुनिए ना, आदरणीय इसे इसे अरे सर बोलने दीजिए, मैं अगर जो बोलूंगा बोलिए बोलिए, अगर जो बोलूंगा फिर 35 लाख लोग ले आएंगे, प्लीज बोलने दीजिए, मुझे लाने की जरूरत नहीं, मैं तो यही आपसे दरख्वास्त करूंगा, सुनिए ना, राम का देश है, बोलने दीजिए, भारतीय बनिए सर, जय श्री राम, भारतीय बनिए, भारत के बन के बात है क्या। अंजना जी बोलिए बोलिए, इस देश में जब हमें तकलीफ होती है, जब कहा जाता है कि रामलला हाजिर हो, आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, जरा सर्च कीजिए और बताइए कौन से देश का देवता अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है, कौन सा देवता, हमें होती है तकलीफ, कौन लेके गया है? सर सुनिए ना, कौन लेके गया है? हम लेके गए क्योंकि आपने हमारी बंदी तोड़ी, आपने मजबूर किया हमें, आपने मजबूर किया, 1855 में कब्जे में था, ये ऑन रिकॉर्ड है, आदमी को बोल तो लेने दीजिए, मजबूर कैसे में जाना पड़ा, अरे बोलने तो दीजिए, यहाँ तो बोलने दीजिए, रहमानी साहब एक बार जवाब दे, मैं हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो कैंपेन भी नो टू नॉइस है, बात पूरी करें, मेरा तो कैंपेन भी नो टू नॉइस है, इसलिए सुन लीजिए सर, मेरा अपना कहने का धैर्य जब जवाब दे देता है, जब एक तुलसी का पत्ता रामलला तक पहुंचते पहुंचते बासा हो जाता है, जब एक वस्त्र बदलने हो तो 6 महीना लगता है और टेंट बदलने हो तो 10 साल, तब हम लोगों का धैर्य जवाब देता है। आप 50 चीजें आप बोलिए, देखिए मंदिर भी आ गया, सर सुन लेना, क्या एक गंदी आप लेके आया कौन सर, आप बोलिए, मस्जिद थी, आप बोलिए सर, मस्जिद बना हुआ था उसी मेंबर पर, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं था, बोलने कर रहे हैं अभी एक रात सर्दी की टेंट से पानी पड़े तो आते रह जाएंगे, बातें कर रहे भगवान ने आपको टेंट में रखा है, बेकार की बातें मत करिए, इन्हें बुलवाइए, मस्जिद नहीं तोड़ते, वो मस्जिद थी नहीं, आपकी आवाज बहुत बुलंद है दीपांकर जी, बोलिए जल्दी बात पूरी कीजिए, बच्चे को सवाल पूछना है, इन्हें बोलने दीजिए सर, कैसे होता है सर, पूरे देश का कबाड़ कर दिया, एक घंटे से सुने जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जालिम कोई सुनने को तैयार नहीं, ये इस देश की स्थिति, हाथ जोड़े जाइए, इधर से रहमानी साहब, उधर से भाई साहब और 3-4 साहब, स्थिति देश को नर्क बना कर रख दिया, ये मन की बात नहीं चलेगी सर, अब सुनिए ना, अब देश की बात चलेगी सर, सुनिए ना, रोजगारों के युवा सर सुनिए ना, युवाओं की बात सुनिए, जब आप समूचा रोजगार राम मंदिर पर लाइएगा, जब ये अपना केस आप जमाई साहब इधर देखते ही नहीं, और दीपांकर जी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जमाई जी तब नहीं समझ में आ रहा था बेरोजगारी सर, आपका भी तो कुछ नाम होगा ना सर, क्या है सर नाम, शोएब जमाई नाम है ना, मैं दीपांकर कह रही हूँ, मत बोलिए ना सर बीच में, प्लीज जल्दी से बात पूरी करें, सिर्फ सवाल नहीं है, मैं कम शब्दों में कहूंगा, मैं बिल्कुल ज्यादा शब्द नहीं लेता, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि जब रामलला ही एक मुद्दत से रहे टेंट में तो सियासत अब तक होती कैसे रही पार्लियामेंट में, यह मेरा कसूर नहीं है, यह इस देश का दुर्भाग्य है, और आज अगर जो देश का एक यशस्वी व्यक्ति कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं, रहमानी साहब उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, और आप पॉइंट आउट करेंगे, आपने देश को विक्टिम कार्ड अब तक खेला, मगर एक शब्द में बात को खत्म करकर सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपनी तरफ से जो मर्जी कहें, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और अगर जो सम्मान नहीं करते अब तक मंदिर बन चुका होता जी, समझ रहे हैं आप, हो गई ना बात आपकी पूरी, हमने ये कब कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं करते, अगर जो आप आदर नहीं करते तो बोलिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात किसने कही, अरे वो पूछे जाके अवैसी साहब से, अवैसी की बात उससे मत पूछिए, अवैसी की बात को तो आप डिफाइन कर रहे हैं, तस्लीम रहमानी 5 मरतबा आप बोल चुके हैं, 5 मरतबा मेरे 5 मरतबा आप बोल चुके हैं, करते फैसले का 5 मरतबा आप कह चुके हैं, ये चिट्ठी लिख कैसे हुई, जल्दी जल्दी आप आदर करेंगे, एक दो सवाल है हमारे देर से बचे हैं, हमारे खिलाफ फैसला आएगा, चुनाव के सामने समय ही क्यों उजागर होता है, अभी कौन सा चुनाव, अभी चुनाव के मुद्दे में ही आता है हमेशा, और अभी कौन सा चुनाव जिसकी वजह से आपको लगता है ये हुआ, आज अभी ना ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है और हमेशा चुनाव के टाइम में ये उजागर होता है मैम, कौन सा चुनाव है अभी, बेचारे सोच रहे थे कि मीडिया के आप लोग हैं नहीं आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी, महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, बैठ जाइए, वही हरियाणा में जवाब दीजिए, सियासी मुद्दा ये सुलगता रहे, आपकी बात बनती रहे, मैनिफेस्टो में आप डालते रहे, कोर्ट काम करता रहे, एक दिन बन गया तो मैं बनाया, बैठ जाइए।
अंजना जी यही लोग थे जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ। गौरव जी जवाब दीजिएगा, जल्दी से पूछे सवाल। मेरे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है कि ये लड़ाई आखिरकार है क्यों? कल मस्जिद तोड़कर मंदिर, सॉरी, कल मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी तो आज के हम मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाएंगे। ठीक है, अगला। मेरा सवाल सोएब जी से है कि जब हम जैसे 110 करोड़ लोगों को भरोसा है और कि मंदिर बनेगा और ये फैसला हमारे हक में आएगा, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है? आप इसे हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? 10 10 सेकंड का जवाब। देखिए अभी रहमानी जी ने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ऐसा क्यों है कि डॉक्टर राजीव धवन सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए है लेकिन कोई अल्ताफ जो है रामलल्ला के लिए नहीं है? ये पूछिए अपने आप से। और दूसरी बात, हमको यकीन है, और हमको यकीन है राजीव धवन अगर नमाज पढ़कर कोई मुसलमान हो जाए तो दिन में दो दिन में शैतान भी इंसान हो जाए। आपको यकीन नहीं है? ये आपका मसला है कि आपको किसी अल्ताफ पे यकीन नहीं है? मुझे राजीव धवन से जल्दी जल्दी ब्रेक करना है। 110 करोड़ लोगों की जो है आस्था है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है। देखिए मेरे भाई, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि ये फैसला आएगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। आप भी कार्यक्रम काम करते हैं कुछ दिनों की गिनती है, अब तो दशकों से लंबा चला एक आंदोलन और उसके बाद से कोर्ट में चला मामला अब निपटारे की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेक के बाद हम लौट रहे, देखते रहिए हल्ला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।